बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द इन्फो जोन के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्या राफेल तैयारे वाकई पाकिस्तान के लिए चैलेंज हैं? साबिक एयर चीफ सुहेल अमान ने बता दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक एयरफोर्स चीफ सुहेल अमान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत को राफेल तैयारे मंगवाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मौजूदा पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का भारत के पास कोई तोड़ नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय फिजाइया ने इस कमी को पूरा करने के लिए राफेल तैयारे मंगवाए हैं। अगर इन तैयारों की बर्तरी पर बात करते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि आखिर इन तैयारों में ऐसी कौन सी चीज है जिसके सर पर भारत ढींगे मार रहा है। साबिक एयर चीफ ने कहा कि भारत जिस तरह के मर्जी जहाज ले ले, पाकिस्तानी एयरफोर्स की पेशावर तरबियत और हमारी एयरफोर्स की बहादुरी तक पहुँचने के लिए भारतीय एयरफोर्स को अभी 10 साल मजीद मेहनत की जरूरत है। साबिक एयर चीफ ने बताया कि राफेल नामी जंगी जहाज पर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। वो निशाने के लिहाज से JS-17 और F-16 से बेहतर हैं। मगर इससे अहम बात यह है कि देखा जाए कि कोई पायलट इस जहाज को किस तरीके से उड़ा रहा है, क्या वो इसको उड़ाने की अहलियत और काबिलियत भी रखता है या नहीं। उन्होंने बताया कि JS-17 और F-16 अपनी काबिलियत में तकरीबन बराबर हो चुके हैं और हमारे पायलट भारतीय पायलटों के मुकाबले में ज्यादा पेशावर और महारत रखते हैं। इस वजह से हम जानते हैं कि उनके मिसाइल सिस्टम से किस तरह निमटना है। एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि इन जहाजों को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करने से इनके मिसाइल सिस्टम का सारा रेडियस ही बदल जाता है और सारी कारगर्दगी कहीं धरी की धरी रह जाती है।